इमेजिन करिए, एक सर्जन मीलों दूर से एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन करवा देता है रोबोट की हेल्प से। सुनने में बड़ा स्ट्रेंज लग रहा है ना, बट ये अब हो रहा है। सऊदी अरब में हिस्ट्री में पहली बार एक फुल्ली रोबोटिक हार्ट ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली कराया गया एक 16 साल की बच्ची का। दिस इज अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर मेडिकल साइंस। सुश्रुता समेता, जो कि इंडिया का सबसे पुराना मेडिकल टेक्स्ट है, उसमें भी रोबोटिक सर्जरी का जिक्र किया गया। आज इतने सेंचुरीज के बाद वी आर विटनेसिंग अ रिवॉल्यूशन इन हेल्थ केयर दैट इकोस दिस टाइमलेस प्रिंसिपल्स। सो रोबोटिक सर्जरी क्या है, आखिर कैसे एक रोबोट पूरी सर्जरी परफॉर्म कर सकता है, क्या हम अपनी बॉडी के लिए किसी मशीन पर भरोसा कर सकते हैं, क्या गारंटी है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, क्या फ्यूचर में रोबोट्स सर्जन को रिप्लेस कर देंगे, क्या इसके बाद हमें सर्जन की जरूरत नहीं होगी, किन ऑपरेशंस को रोबोट्स के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, व्हाट आर द सिचुएशन इन इंडिया, क्या रोबोटिक सर्जरी हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है, एंड लास्ट व्हाई रोबोटिक सर्जरीज। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आई एम डॉक्टर मिताली गुप्ता, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज द रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी सर्जन के द्वारा रोबोटिक आर्म की हेल्प से सबसे छोटा चीरा लगाकर परफॉर्म किया जाता है। तीस रोबोट्स पुराने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के कंपेयर में ज्यादा सटीक और ज्यादा फ्लेक्सिबल है। बट सवाल ये कि आखिर कैसे रोबोट्स एक पूरी सर्जरी कर देता है। इस सर्जरी में तीन यूनिट्स होती है, पहला कंट्रोल यूनिट, दूसरा रोबोट्स जो कि पेशेंट के पास खड़ा होता है, और तीसरा सर्जन कंसोल। सर्जन एक कंसोल पर बैठता है जहां वो मरीज की शारीरिक संरचना की 3D छवि देख सकता है। वह अपने हाथ से नियंत्रण का उपयोग करके रोबोटिक हथियारों को हिलाता है जो फिर सर्जिकल प्रक्रिया को पूरा करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई सर्जरी तो अभी भी हो रही है सर्जन के द्वारा, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई रोबोट्स की। व्हाई रोबोटिक सर्जरीज। ओपन सर्जरी के कंपैरेटिवली रोबोटिक सर्जरी बहुत ही छोटा चीरे में की जा सकती है। इन सर्जरीज में उतना ही कट देते हैं ताकि रोबोट के आर्म्स बॉडी के अंदर एंटर कर जाए। दिस इज जस्ट लाइक लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज। दैट्स व्हाई ऑपरेशन के बाद वापस अपनी नॉर्मल लाइफ को रिज्यूम करना इजी हो जाता है। एक इंसान के पास केवल दो हाथ होते हैं, बट एक रोबोट के पास इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा रोबोट के हाथ हमारे हाथों की तुलना में ज्यादा दिशाओं में घूम सकते हैं। इससे बॉडी के उन पार्ट्स तक पहुंचाया जा सकता है जहां एक सर्जन का पहुंचना उतना आसान नहीं होता। ह्यूमन के कंपैरेटिवली रोबोट्स कभी थकते नहीं है और उनके हाथ कभी नहीं कांपते। रोबोट्स एक नॉर्मल ह्यूमन के लिमिट के बियॉन्ड भी काम कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर रोगियों के साथ मौजूद रह सकते हैं। सो रोबोट्स की हेल्प से एक हॉस्पिटल ज्यादा पेशेंट ओवरलोड को कंट्रोल कर सकता है, कम सर्जन के साथ और ज्यादा सर्जरी करा सकता है। रोबोटिक सर्जरी को बॉडी के हर पार्ट्स की सर्जरी के लिए आज इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे गायनेकोलॉजी, यूरोलॉजी, आर्थ्रोस्कोपी, प्रोस्थेटिक सर्जरी, हार्ट सर्जरी और भी बहुत सारी सर्जरीज में इस्तेमाल किया जा रहा है। वह किसी भी रोबोटिक सर्जरी को बिना किसी सर्जन के कंट्रोल किए बिना परफॉर्म नहीं किया जा सकता। रोबोटिक सर्जरी सिर्फ एक एडवांसमेंट है मेडिकल साइंस में, जिसमें रोबोट्स की हेल्प से सर्जरी को और ज्यादा बारीकी के साथ सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। सो एक सर्जन ही सर्जरी और पेशेंट की नीड के हिसाब से तय करता है किस केस में रोबोटिक सर्जरी की नीड है या नहीं। नाउ व्हाट आर द सिचुएशन इन इंडिया। सन 2000 में इंडिया में पहला रोबोट सर्जरी के लिए एम्स न्यू दिल्ली में लाया गया, तब से ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। 2021 तक इंडिया में 76 सर्जिकल रोबोट्स हैं और 500 से भी ज्यादा सर्जन को रोबोटिक सर्जरीज के लिए ट्रेंड किया जा चुका है। इंडिया के लार्ज पेशेंट पॉपुलेशन, ग्रोइंग इकोनॉमी एंड स्किल्ड लैप्रोस्कोपिक सर्जन रोबोटिक सर्जरी के लिए स्ट्रेंथ बन सकते हैं। बट इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज है जहाँ अभी हमारे बेसिक रिसोर्सेज ही पूरे नहीं हो पा रहे, वहाँ रोबोटिक सर्जरी के लिए होने वाले शुरुआती हाई इन्वेस्टमेंट, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, हाई ट्रेनिंग कॉस्ट, और मशीन ही तो है कभी भी खराब हो सकती है लाइक किसी भी अदर टेक्नोलॉजी की तरह। वहाँ हम ये सब चीज किस लेवल तक अफोर्ड कर सकते हैं।
इंडिया में ये सारी चीजें रोबोटिक सर्जरीज के लिए वीकनेस बन सकते हैं। रोबोटिक सर्जरीज के चाहे कितने भी बेनिफिट हो, बट अभी भी हमें चीजों को और रीजनेबल और प्रैक्टिकल बनाने के लिए और रिसर्च की जरूरत है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए, और हाँ, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट मिस द बेल आइकन। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।